कमोडिटी में आज हम क्रूड ऑयल का एनालिसिस करेंगे। जैसे कि क्रूड ऑयल में कल एक अनएक्सपेक्टेड रैली हमें देखने को मिली थी। इसके साथ ही अब बात आती है कि क्रूड ऑयल में मंडे के ट्रेडिंग सेशन में कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहने वाले हैं। तो इसके लिए आपको एंजल वन एप्लीकेशन पे आना है और एंजल वन एप्लीकेशन पे आने के बाद आपको इंस्टाटेड एफेंडो पे क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे इंस्टाटेड एफेंडो के बैनर पे क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे क्रूड ऑयल का चार्ट बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी मार्केट वॉच में क्रूड ऑयल को ऐड करके रखा है। दोस्तों यह मार्केट वॉच जो है ये इंस्टाटेड की मार्केट वॉच है। आप अपनी मार्केट वॉच बनाने के लिए प्लस आइकन का यूज़ करके आप अपनी मार्केट वॉच यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इतना ईजी और इतना आसान हो जाता है आपको इंस्टाटेड का यूज़ करना। इसके जो कुछ बेहतर फीचर है जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी बताएंगे। और सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि जो इंस्टाटेड में अगर आप काम करते हैं तो आप अपने चार्ट का एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो क्रूड ऑयल में अनएक्सपेक्टेड रैली हमें देखने को मिली थी, जो क्रूड ऑयल यहाँ पे हाई ब्रेक किया था, जो इसका 5500 के आसपास का इसका एक रेजिस्टेंस लेवल था और जो इसने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया, तो इसके बाद से हमें क्रूड ऑयल में जैसे एक इसका लेवल था जो 5593 यानी 5600 का मान सकते हैं। 5600 का जैसे ही क्रूड ऑयल ने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को हिट किया तो आपको देखने को मिलेगा कि इसने 5700 से लेके 5903 तक के लेवल क्रूड ऑयल में हमें दिखाए थे। लेकिन क्या हुआ कि जो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल को लगाया हुआ था इसी का इसने एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से वापस से हमें इसके अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। यह लेवल आप हमारे कल के वीडियो में भी देख सकते हैं। कल भी हमने यह इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था। अगर ये लेवल क्रूड ऑयल होल्ड कर लेता तो क्रूड ऑयल में हमें आगे आने वाले समय में 6000 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते थे। लेकिन यह लेवल क्रूड ऑयल होल्ड नहीं कर पाया, यहाँ से ओंधे मुंह क्रूड ऑयल में गिरावट देखने को मिली। गिरावट के साथ जब क्रूड ऑयल ने जो सपोर्ट था 5700 का, इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक करने के बाद हमें वापस से क्रूड ऑयल में एक निगेटिव डायरेक्शन में क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन इसके साथ भी अभी क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग चल रही है। अगर क्रूड ऑयल दोबारा से 5000 का जो नीचे का लो है, मतलब कि 5580 के नीचे अगर क्रूड ऑयल वापस से मूव करता है तो हमें क्रूड ऑयल में जो अगला रेजिस्टेंस सॉरी अगला सपोर्ट है 5500 या 5450 का, ये रेजिस्टेंस हमें ये सपोर्ट हमें दोबारा से रिटेस्ट होते हुए नजर आ सकता है। तो इस सपोर्ट के ऊपर अब हमारी विशेष तौर पर नज़र रहने वाली है। अगर ये सपोर्ट भी निकलता है तो हमें क्रूड ऑयल में अगला जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 5400 से लेके 5350 का, ये हमें देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही अगर हम एमएसडी की भी बात करें तो एमएसडी में भी हमें एक निगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अगर हमें लगता है कि क्रूड ऑयल में कंटिन्यू डाउन ट्रेंड रह सकता है तो हम सेल ऑप्शन का यूज़ करके इसका एक फ्यूचर को हम यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हमें लगता है कि क्रूड ऑयल में यहाँ से बाइंग आ सकती है तो हम बाइंग ऑप्शन का यूज़ करके हम यहाँ से बाइंग की पोजिशन बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अपने व्यू के आधार पर इसको देखता हूँ कि मैं अगर मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल यहाँ से स्लिप होगा और नीचे आएगा तो मैं सेल ऑप्शन का यहाँ पे यूज़ करूँगा और यहाँ पे वन लॉट को मेंशन करूँगा। मैं चाहता हूँ कि क्रूड ऑयल को मैं यहाँ पे जो लेवल है 5500 की अपेक्षा में 5650 पे मैं इसको बेचना चाहता हूँ ऊपर की ओर। और यहाँ से मैं एक लॉट बेचने के लिए जो मुझे यहाँ पे मार्जिन लग रहा है ये 1,80,693 लग रहा है, यहाँ पे सेल ऑप्शन का यूज़ करूँगा और यहाँ कंफर्म करूँगा। मेरा ऑर्डर यहाँ पे सबमिट हो जाएगा और जैसे मेरा प्राइस आएगा तो उस प्राइस पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो मुझे अपना P&L यहाँ पे सेम विंडो पे देखने को मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पोजिशन में अपना पोटेंशियल रिटर्न को बुक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ बाय ऑप्शन का यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरी पोजीशन सेल की है। सेल की पोजीशन होने के कारण मैं अपनी पोजीशन को स्क्वायर करने के लिए बाइंग ऑप्शन का यूज़ करूँगा और यहाँ से मैं अपना बाइंग का ऑर्डर प्लेस करूँगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं लाइव मार्केट में करंट मार्केट में अपने ऑर्डर को मॉडिफाई करूँ या अपने ऑर्डर को लाइव मार्केट में स्क्वायर करूँ तो मैं ऑर्डर ऑप्शन का यूज़ करके अपने ऑर्डर को करंट प्राइस पे बेच भी सकता हूँ या अपने ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकता हूँ। साइड बार का यूज़ करके मैं अलग अलग टूल्स जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन, वर्टिकल लाइन का यूज़ करके मैं चार्ट का एनालिसिस कर सकता हूँ। एफएक्स ऑप्शन का यूज़ करके मैं अलग अलग इंडिकेटर जैसे एमएसडी इंडिकेटर, बोलिंजर बैंड इंडिकेटर, इन इंडिकेटर को मैं अपने चार्ट पे लगा के अपने चार्ट का प्रेडिक्शन कर सकता हूँ। दोस्तों अगर आप भी इस फैसिलिटी का यूज़ करना चाहते हैं तो आप भी आज ही अपना डीमैट अकाउंट एंजल वन के साथ ओपन करें। फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप हमारे लिंक के माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 1 ईयर का AMC चार्जेस बिल्कुल फ्री रहने वाला है, आपसे कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा और आपका अकाउंट जो है बिल्कुल फ्री में ओपन होगा। तो आज ही आप अपना डीमैट अकाउंट एंजल वन के साथ ओपन करें और इस शानदार टूल का लाभ लें। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि स्टॉक मार्केट से जुड़ा हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।